खरगोन में आज बेरोजगार संघ द्वारा रैली का आयोजन कर रोजगार देने की मांग की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार रैली में शामिल हुए, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम रोजगार या रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की मांग की है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या मुद्दे लेकर, क्या समस्याएं लेकर आप कलेक्ट्रेट पहुंचे? सबसे पहले हम कलेक्टर महोदया से जो हम मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हमने जो ज्ञापन सौंपा है उनको, पहला हमारा मुद्दा था कि हमको रोज़गार मिले। हम सारे बेरोजगार युवा हैं, बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमको करना क्या है आगे। सरकार की क्या नीति है हमारे लिए, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है वो हमें जानना है। और हमारा सीधा सा मुद्दा है कि हमें सरकार रोज़गार दे, वो कहीं से भी दे, किसी भी क्षेत्र में दे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में दे या गवर्नमेंट सेक्टर में दे, जहाँ भी दे, लेकिन हमको रोज़गार दे। आज हमारा जो महीने का जो है, अगर 1000 रुपये हमको जीवन जीने के लिए महीने का लगता है तो वो भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ तक कि इस बात तक हम लोग पहुँच गए हैं कि आज अगर हमको कोई ठेकेदार बेलदारी के लिए बुलाता तो वहाँ तक हम जाकर काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार हमारे लिए कुछ तो नीति बनाए, हमारे लिए कुछ तो रोज़गार की व्यवस्था करे। और अगर सरकार आज ही रोज़गार की व्यवस्था नहीं कर सकती है तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमको आज ही रोज़गार चाहिए। कम से कम हमारे लिए अगर रोज़गार नहीं है तो हमारे जीवन जीने के लिए बेरोजगारी भत्ता तो दे। कम से कम हम अपना महीना कैसे गुजार रहे हैं, हम हमारे दिन कैसे गुजार रहे हैं, उसके ऊपर तो सरकार सोचे। मैं जानना चाहूँगा सरकार से कि सरकार की नीति क्या है रोज़गार के लिए। अगर रोजगार के लिए कोई नीति नहीं है तो बेरोजगारों के लिए क्या नीति है, बेरोजगारी भत्ते के लिए क्या नीति है? शिक्षित बेरोजगार ज्यादा हो गए, सारे शिक्षित बेरोजगार है, अशिक्षित कोई भी बेरोजगार आपको नहीं मिलेगा। मान के चलिए कि अगर हम खरगोन जिले की बात करें, खरगोन जिले में जो है वो एक लाख की जो आबादी है वो 2011 में थी, और आज अगर हम 20% भी उसको बढ़ाते हैं तो हमारे यहाँ 1,40,000 आबादी हो जाती है। और वो 1,30,000 से 40,000 आबादी में कम हमारे खरगोन जिले में ही जो है वो 40,000 से 50,000 बेरोजगार युवा है, और सारे मास्टर डिग्री है, सारे जो है वो बैचलर है, सारे मास्टर डिग्री है। आप क्या चाहते क्या? मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ सरकार से कि सरकार हमको रोजगार दे, रोजगार नहीं दे पा रहे तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान करे। क्या नाम आपका? मानसिंह कनौजे, मान कनौजे सर, मान सर बोलते हैं। कहाँ से आए आप? मैं प्रॉपर खरगोन से ही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।